नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेन अकेडमी में। मित्रों, जो हमारी DLF फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो मैथ की क्लास चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए द्वितीय क्लास, सेकंड क्लास है जो कि आपके प्रथम अध्याय की है। ठीक है, तो जो कल हमने कराया था उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल किस तरह फाइंड करेंगे, क्या क्या इसकी कंडीशन होती हैं, बेहतर तरीके से बिल्कुल एग्जाम्पल के सहित हम इसको एक्सप्लेन के सहित समझेंगे बिल्कुल तरीके से। मित्रों, जैसा कि हमारा पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि जो हमारे द्वारा आपके परिवार के द्वारा जो आपको क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं फोर्थ सेमेस्टर की, अगर आपने ये कंप्लीट क्लासेज शुरू से लेकर के अंत तक देख ली तो जो हमारा लक्ष्य है 25 अंक गणित में पूर्ण अर्जित करना, उसे हम पूर्णतः प्राप्त करेंगे। मित्रों, इसीलिए हमारी सभी क्लासेज एक से लेकर के अंत तक अवश्य देखें, जो कि आपको सभी क्लासेज क्रम वाइज क्लास 1 क्लास 2 एक सीक्वेंस में चैनल की प्लेलिस्ट में आपको प्राप्त हो जाएंगी। सभी क्लासेज बेहतर तरीके से एक्सप्लेन के पर आधारित हैं और काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं मित्रों, इसलिए क्लासेज सभी देखें। मित्रों, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल क्या होता है, तो दोनों को मैंने एक साथ इंक्लूड किया हुआ है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल उस संख्या का वर्ग तथा वह स्वयं संख्या उस गुणनफल, जो संख्या होती है गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। अगर इसे प्रदर्शित करने की बात आती है तो इसे रूट से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई तीन संख्या है, ठीक है, संख्या ये है, तीन है, ये तीन का अगर तीन में मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से, यानी तीन संख्या हमारी, तीन को तीन से ही मल्टीप्लाई करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा 9 प्राप्त हुआ हमें, और वह गुणनफल इस संख्या का तो वर्ग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तीन का वर्ग कहलाएगा 9। लेकिन जो स्वयं संख्या जो गुणनफल है, यह जो गुणनफल आपको प्राप्त हुआ है यह क्या कहलाएगी, यह उस संख्या का, यानी जो गुणनफल है और जो संख्या है ये तीन, इसका क्या कहलाएगी, तीन जो है इसका वर्गमूल कहलाएगी। इस तरह आप बता सकते हैं कि अगर संख्या जो है अगर उसी समान संख्या से अगर गुणा किया जाता है तो आपको उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन जो गुणनफल है अगर गुणनफल को पुनः ही हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वह संख्या स्वयं होती है जिसका हमने गुणन किया हुआ है। ठीक है, इस विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं इस तरह। आगे बात आती है कि गुणनफल के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना होगा जिन संख्याओं का वर्गमूल, तो ये कुछ नोट्स हैं आपको याद रखने होंगे, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या होती है उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या आती है तो वह पूर्ण वर्ग कहलाएंगे। जैसे कि 25 है, अगर हम कहें कि 25 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, हाँ, क्योंकि इसका ये 5 का हमारा वर्ग है। ठीक है, तो जब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण 25 जो इस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, और जो वर्गमूल है वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी आपको। या हम कह सकते हैं कि जैसे 4 है आदि, ये सभी हमें क्या होंगे, हमारी पूर्ण वर्ग कहलाएंगे हमारी संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिंदु है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो तथा 8 हो, उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जाता है। कई बार ऑप्शन में बन जाता है तो आपको याद रखना होगा कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक, यानी यूनिट डिजिट, अगर ऐसी संख्याएं हैं अगर इनका यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 या 8 में से कोई एक होता है या कोई होता है तो ये हम कह देंगे कि अपने आप से ही कि जो नियम के अकॉर्डिंग कि ये संख्याएँ कभी भी क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग नहीं निकलता इनका। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप 12 का पूर्ण वर्ग निकालिए तो नहीं ज्ञात कर पाए, कुछ राशि जो है हमारी रूट में हमें प्राप्त होगी। इसी तरह हमसे बोला जाता है क्योंकि इसका इकाई अंक हमारा 2 है, इसी तरह अगर 17 को बोला जाता है तो 17 का क्या है, इकाई अंक 7 है, तो हम अब इन इकाई अंक को देख करके तुरंत आप बता देंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इस तरह आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है कि यदि किसी संख्या के वर्गमूल में आपको अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं आपको यदि अंकों की संख्या किस तरह ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नियम याद रखने हैं कि यदि अंकों की संख्या
तो यदि अंकों की संख्या सम है, क्या है अंकों की संख्या यदि आपको सम प्राप्त होती है, ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे कि ये याद रखेंगे एन बटे दो। ठीक है, मान लीजिए से ये संख्या है हमारी 1, 3, 3, 1 और आपसे कहा है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हम देख करके हम बिना वर्गमूल निकाले ही इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ज्ञात कर सकेंगे हम अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। एन यहाँ पर क्या है, एन इन टोटल नंबर्स ऑफ, यानी कुल ये अंक कितने हैं हमारे, 4 हैं, तो 4 बटे कितना हो जाएगा आपका, 4 बटे 2 हो जाएगा। 2 से ये 2 बार कटे, 4 जो 2 बार कटेगा तो हम बता सकेंगे कि इसके जो वर्गमूल में जो अंकों की संख्या आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, इस तरह आप ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमारे सम के लिए कंडीशन है। विषम के लिए क्या कंडीशन होती है, तो चलिए विषम वाले को भी अध्ययन करते हैं हम। तो देखिए विषम के लिए भी यही कंडीशन होती है, लेकिन उसका नियम कुछ अलग होता है। यदि अगर अंकों की संख्या विषम है तो आप वर्गमूल में अंकों की संख्या किस तरह ज्ञात करेंगे, तो हमें याद रखना होगा यदि क्या है, विषम है, अंकों की संख्या क्या है हमारी, विषम है, तो उस सिचुएशन में हमें याद रखना होगा क्या, हमें ये याद रखना होगा कि n+1/2, ये हमें याद रखना होगा। n यहाँ पर वही है कि टोटल नंबर्स ऑफ, जिस संख्या में कितने अंकों की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पूछ लेता हूँ यही कि 1, 5, 8, 7, 5, 1, 5, 8, 7, 5 में अब आपसे पूछा जाता है प्रश्न के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या विषम है, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, अगर आपको एक्सप्लेन करोगे तो इसे वर्गमूल निकालना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लेगा। इससे इसके विधि के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा आप आसानी से बता पाएंगे। तो देखिए इसकी संख्या कितनी है, 5+1/2, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 6, 6/2, 2 से ये 6 कितनी बार कटेगा हमारा, 2 से ये 3 बार कटेगा, तो हम बता पाएंगे कि जो जो संख्या दी हुई है 1, 5, 8, 7, 5 में वर्गमूल में अंकों की संख्या जो निकलेगी वो हमारी कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। इस तरह हम बता सकते हैं कि किसी भी अंकों में या सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या किस तरह आप ज्ञात कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। कुछ हमारा नेक्स्ट आपको याद रखना होगा जो कि आपका कई बार ऑप्शन में बन जाता है एक अंक में, तो उसके लिए हमें क्या याद करना है, तो उसके लिए हमें याद ये रखना होगा कि कोई भी संख्या है, ये याद रखना होगा कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी हुई आपको, किसी भी संख्या, ठीक है, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है तो उसके 2 वर्गमूल होते हैं। कितने वर्गमूल होते हैं भाई, 2 वर्गमूल होंगे उसके, कोई भी संख्या आपकी तो उसके 2 क्या होंगे, वर्गमूल होंगे। कोई भी संख्या दी आपके तो उसके 2 वर्गमूल होते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो आपका धनात्मक होता है उसका और एक ऋणात्मक होता है, ठीक है, 2 वर्गमूलों की संख्या निकलती है। आपसे पूछा जाएगा एक तो पॉजिटिव निकलेगा एक नेगेटिव निकलेगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 25 के वर्गमूल होंगे, तो 25 के वर्गमूल जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे, जैसे कि ये 25 है, ठीक है, तो रूट निकालेंगे आप इसका, तो ये 5 का स्क्वायर होता है आप जानते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर से ये क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो आपका निकलेगा 5। एक तो 5 पॉजिटिव निकलेगा, एक नेगेटिव निकलेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का भी जब हम स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 25 ही आएगा, पॉजिटिव का भी जब भी हम वर्ग करेंगे तो भी 25 आएगा। इस तरह हम बता पाएंगे कि किसी भी संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं, याद रखेंगे, एक तो पॉजिटिव निकलेगा एक नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, वर्गमूल ज्ञात करने की हमारी कितनी विधियाँ होती हैं, तो देखिए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारी जो विधियाँ हैं 2 विधियाँ होती हैं, पहली आपकी गुणनखंड विधि होती है, दूसरी होती है हमारी भाग विधि, ठीक है, दूसरी क्या होती है, भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि की चर्चा करेंगे, गुणनखंड विधि के पश्चात ही हम भाग विधि पर करेंगे। तो गुणनखंड विधि को देखो, सबसे पहले करने से पहले कुछ इसके कुछ नियम्स होते हैं उनको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोई भी संख्या दी जाती है आपके तो आप उससे पूछा जाता है कि इसके गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी कोई संख्या दी है उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे पहली कंडीशन में। सबसे पहले एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहले दी गई संख्या जो है उसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं पहले हैं। जब हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए तो दूसरी नियम क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों में जो समान गुणनखंड वाले युग्म होते हैं, ठीक है,
जो समान गुणनखंड वाले युग्म होते हैं उनको बनाते हैं, युग्म बनाएंगे। तीसरा हमारे आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो प्रत्येक युग्म में से जो हमारा प्रत्येक युग्म है उसमें से एक एक लेकर सबका गुणा करते चलते हैं, ठीक है। एक एक लेकर सबके गुणा करते हैं। आगे एग्जाम्पल के द्वारा मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले ये कुछ बिंदु हैं इनको ध्यान में रखने हैं आपको, तो इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके और अंत में जो प्राप्त संख्या होती है उसका गुणनफल संख्या का अभीष्ट वर्गमूल होता है, ठीक है। ये हमें चार बिंदु याद करने हैं। पहले दी हुई संख्या के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। दूसरी में अभाज्य गुणनखंडों में से जो समान जोड़ा है वो समान युग में उसे ले लेंगे, ठीक है। तीसरे में प्रत्येक युग में जो है उसे एक एक करके सबका गुणा करेंगे, और अंत में जो संख्या प्राप्त होगी, गुणनफल प्राप्त होगा, वह संख्या उसका क्या होगा, अभीष्ट वर्गमूल होगा। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाता है भाई, आपसे पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो किस तरह ज्ञात करेंगे। तो देखो, अंतिम अंक इकाई अंक हम सबसे पहले चेक करेंगे। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या अगर सम है तो सम संख्या से भाजित होगी, और विषम है तो विषम से। तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक विषम है, इसलिए 2 से तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 से यानी विषम संख्या से जाएगा। तो 3 से हम 4 में देंगे तो 3 × 3 यहाँ पर लिखेंगे, एक बार गया। अब बचा एक, ये हो गए 14। 14 में 3 का भाग देंगे तो 3 × 4 = 12, 4 बार गया। हमारे पास 2 शेष बचे तो ये 21 हो गया। 21 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 × 7 = 21। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ 147। फिर हमें इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक हमारा 7 है, तो हम कह सकते हैं कि भाई विषम संख्या से पुनः जाएगा, तो विषम संख्या 3 से ही जाएगा फिर। तो 3 × 12 चार बार गया, कितनी बार प्राप्त गया भाग, 3 × 12 चार बार गया, 3 × 12 और बचे साथ 2, 3 × 27। तो हमने देखा कि ये 3 का भाग जो 147 में 49 बार गया। अब 49 में भी इकाई अंक हमारा 9 जो है वो विषम है, तो फिर पुनः विषम से देखेंगे तो ये जो है 49 7 से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, नहीं 7 का ये स्क्वायर है इसलिए हम 7 से देंगे, 7 × 7 = 49 सात बार गया, ठीक है। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। अभाज्य गुणनखंड हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर एक बार लिख देंगे इसको, जो हमें अभाज्य गुणनखंड है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसको करने में कुछ ही समय लगता है। तो हमें जो प्राप्त हुए, पहले 3 प्राप्त हुआ, 3 × 3 × 7 × 7, और हमारा दूसरा क्या दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, पहला नियम हमने कर लिया भाई। दूसरा कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंड वाले युग्म बनाते हैं, यानी समान वाले एक पेयर बना लेंगे, एक एक जोड़ा जो समान है, ये 3 और 3 समान है, 7 और 7 समान है, हमने पेयर बना लिए। अब प्रत्येक युग्म में से एक अंक लेना होता है, यानी इसमें से एक युग्म लेना होगा, युग्म में से 3 का ले लेंगे, इसमें से 1 ले लेंगे 7 का, और इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3 × 7 = 21, तो हम कह पाएंगे कि गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है, यानी जो गुणनफल प्राप्त होता है, वह इसका क्या होगा, इस संख्या का जो कहलाता है वो वर्गमूल कहलाएगा। तो हम बता सकते हैं, वैसे भी आपको याद होगा कि अगर याद है तो कुछ संख्याओं के आपके वर्ग भी याद करने होंगे, 1 से लेकर लगभग 10 तक आप याद कर लें तो आपका जो DLF सेमेस्टर उसमें आपका काम बन जाएगा। लेकिन कंपटीशन के लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको 20-25 आदि अपनी जितनी कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी, आपको वर्ग और क्यूब याद करने होंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, तो ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी सहायता से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, चलिए उसको भी करते हैं हम, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा आपसे प्रश्न बनता है भाई कि 144, ठीक है, 144 का वर्गमूल जो है गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस तरह आपका प्रश्न लिखा होगा। तो आप किस तरह इसे करेंगे, तो 144, फिर वही इकाई अंक यहाँ पर 4 है, 4 है तो ये 2 से भाजित हो जाएगा, ये आपको देखना होगा, 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो 2 से भाजित होगा, ये भाजिता के नियम होते हैं कुछ, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से हमने इसको भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, यानी 2 × 7 = 14, तो ये 14 7 बार गया, कितनी बार गया हमारा जो है 7 बार गया। फिर बचा 4, 2 × 4, तो टोटल भाग हमारा 72 बार गया। 72 में भी हमने यूनिट डिजिट देखा भाई कि इकाई अंक जो है 2 है, 2 है यानी कि सम है, 0, 2, 4, 6, 8 में से है, तो ये भी 2 से ही जाएगा। अगर इसमें भाग देंगे तो 2 × 3 = 6, कितनी बार गया 3 बार गया, एक यहाँ रिमाइंडर बचा तो अगले में ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएंगे, तो 2 × 6 = 12, तो ये 36 बार गया हमारा, ठीक है, 36 बार गया है। यहाँ पर भी हमने देखा था यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 6 है, जो कि 2 से चला जाएगा, तो पुनः हम 2 से देंगे, और यह क्रिया जब तक करेंगे कि अंतिम अंक 1 ना आ जाए, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें 36 में देंगे तो 2 × 1 = 2, 1 बचा 2 × 8 = 16,
18 बचा, फिर 18 में फिर पौने दो से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और 9 क्या है हमारा, विषम है, जो कि हमारा विषम है तो विषम से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से कितनी बार गया, 3 बार गया, फिर पौने 3 से 3 बार गया, 1 बार। तो देखिए ये प्रक्रिया जब तक हमें अपनानी है कि अंतिम अंक जो है 1 ना जाए। अब हमारा 1 आ चुका है, तो दूसरा नियम क्या कहता है हमारा कि जो ये दिए होते हैं इनमें से जो समान होते हैं युग्म बना लेते हैं। यहीं पर आप इसको फिनिश कर देंगे, इसका एक पेयर यहाँ बनेगा, इसका एक पेयर यहाँ एक जोड़ा बन जाएगा और इसका एक पेयर यहाँ बन जाएगा, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेयर बन गया और जो पेयर बन जाते हैं एक जोड़ा बन जाता है समान अंकों का। ठीक है, तो उनका क्या करते हैं, उसमें से एक एक लेकर के इस जोड़े में से एक दो का लेंगे, दो लिया, इस जोड़े में से एक दो लेंगे, दो लिया, और इस जोड़े में से एक तीन लेंगे। तो हम बता देंगे इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो दूनी चार, चार तीया 12, तो हम बराबर बता देंगे कि भाई जो हमारा 144 है इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 12 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं मित्रों, जो हमारा टॉपिक है भाग विधि, यानी जो सेकंड है हमारी भाग विधि, उसे किस तरह आप ज्ञात करेंगे। भाग विधि, तो भाग विधि के लिए भी हमें पहले क्या होगा, कुछ नियम्स हैं, टॉप बिंदु हैं, उनको ध्यान रखना होगा। पहला हमारा बिंदु क्या है ये समझना होगा आपको कि सबसे पहले दाईं ओर से दो दो अंकों के जोड़े बना लेते हैं, यानी हमारा दायां बायां आपको समझना होगा। ठीक है, दायां मतलब इधर से, ये आपको याद रखना होगा दायां बायां किधर है। इधर हमारा देखो धनात्मक से हम आपको दर्शा रहे हैं ये दायां है और ये बायां है, ऋणात्मक से हम दायां बायां आपको धनात्मक के द्वारा समझा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या है तो ये दाईं ओर से। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी संख्या है 1, 5, 6, 2। आप सो इसको भाग विधि से गुणनखंड करना है तो पहले हम क्या होंगे, दाईं ओर से इस दर से इसके पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे हम, इधर से इसके पेयर बनाएंगे। अगर संख्या सम है तो पेयर्स बन जाएंगे, अगर विषम संख्या है तो भी दाईं ओर से बनाएंगे, जो हमारा सिंगल अंक बचेगा उसे हम अगले बिंदु से यानी भाग देंगे। फिर तो अगर विषम अंक होता है तब भी हम यही करते हैं, प्रक्रिया अपनाते हैं। अब क्या करेंगे, बाईं ओर से जो अंक है उसे उस जोड़े से भाग देंगे। ठीक है, यानी इधर से ये बायां नेगेटिव के द्वारा मैंने आपको बताया ये बायां। ठीक है, अब बाईं ओर से क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। ठीक है, भाग देने पर जिसका वर्ग होगा, यानी ऐसी संख्या से भाग देंगे जो कि किसी संख्या, कोई संख्या जो है वो 15, जिसका वर्ग 15 के समीप होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई 4 का वर्ग जो है वो 16, यानी 16 हो रहा है, वो 15 से अधिक है तो 4 से इसमें भाग नहीं जाएगा। अब जो कि 3 का वर्ग, मैंने देखा कि भाई 3 का वर्ग 9 होता है तो हाँ इससे कम है तो ये चला जाएगा। हमने पेयर बनाए और जो भागफल होता है उसे ऊपर डिनोट कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर करता ही चलता हूँ। तो ये हमने, अब देखो ये हमने देखा 15 है तो ये 3 से वर्ग के समीप है। ठीक है, और उससे कम हो या तो इसके समीप हो या बराबर आ जाए या इससे कम हो, तो 3 × 9 यानी कितनी बार गया हमारा, तो हमने यहाँ पर कितना 9 यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब रिमाइंडर देखेंगे हम, रिमाइंडर कितना बचा है। 15 में से जब 9 जा रहे हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि 15 में से जब 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे कितने, 6 हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला नियम हमारा क्या कहता है कि अगला नियम ये कहता है कि जिस संख्या से हमने भागफल इसका दुगुना, इसमें दुगुना यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, या तो ये याद रखिए कि जो हमने भाग दिया 3 बार भाग गया था भाई, उसका दुगुना यहाँ लिख देते हैं, या फिर आप इस विधि को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करना होगा, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसमें उतने ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमने 3 से ही भाग दिया था, ठीक है, इसमें तो 3 ही ऐड कर देंगे तब हमें 6 प्राप्त होगा। अब याद रखना होगा अगली जो संख्या से हम भाग देंगे उसके इकाई अंक में आएगी, क्या में आएगी, इकाई अंक में आएगी, ये नहीं कि आप 6 में उसका मल्टीपल करें, नहीं। और भाग देने से पहले हमें याद रखना है कि जो नेक्स्ट जोड़ा हमारा क्या है, यानी अगला युग्म क्या है, क्योंकि 6 में तो भाग जाने से रहा भाई, क्योंकि ये भी ढाई अंक में आएगी तो हमें क्या होगा, अगला जोड़ा यानी जो जोड़ा है 62, इसको हमने कर लेंगे। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें किस संख्या से इसके नजदीक या समीप है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको नेक्स्ट लेकर के आगे। तो इस विधि के द्वारा आप, भाग विधि के द्वारा किसी भी जो भी संख्या दी हुई है आप उसे के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस माध्यम से, नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि अगला क्वेश्चन किस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बिंदुएं हैं उनको याद रखना होगा, सबसे पहले दाईं ओर से पेयर बनाएंगे, अगर संख्या विषम है तो उसे अंक अगले वाले अंक को, यानी जो बाईं ओर का एक अंक है उसे छोड़ देंगे। ठीक है, विषम वाले अंक की ओर करेंगे, अगर सम है तो पेयर बनी जाएंगे। एक विषम का भी एग्जांपल मैं आपको
क्लियर कराता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैं काफ़ी लेंथी संख्या ले रहा हूँ जिससे आपके समझ में ये आ जाए, संख्या है 9 9 8 5 6, ठीक है, इस तरह आपको ये सॉल्व करनी होगी। और आपसे पूछा जाएगा भाई भाग विधि के द्वारा इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमें जो नियम है याद रखना है, दाईं ओर से पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो ये 56 है, 56 का पेयर बन जाएगा, 1 98 का पेयर बन जाएगा, और संख्या विषम है तो 9 का पेयर बन जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, याद ध्यान रखना है कि 9 के समीप ऐसी संख्या का जो जिसका स्क्वायर 9 के समीप होगा या बराबर होगा या उसके कम होगा, ये याद रखनी है। तो 3 ऐसी संख्या है जो कि वर्ग इसके बराबर है, तो हम इसको 3 से भाग दे देंगे भाई, 3 से भाग देने पर 9 प्राप्त होगा, और जितनी बार भाग दिया है उसे यहाँ पर भागफल लिख देंगे। 3 बार गया ना, 3 से 3 बार गया, 3 3 9 हो गए, ठीक है। और देखिए या तो इसका यहाँ पर क्या लिखना होता है, इसका वर्ग करके या इसके दोगुना लिख दीजिए, 3 2 6, या इसमें उतने से ही ऐड कर दीजिए, 3 हमने ऐड करे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अब देखो 9 से 9 गया तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो अगले जोड़े को हम ले लेंगे। अगला जोड़ा हमारा 98 है, अगला जोड़ा हमारा क्या है 98, तो हमने 98 को ले लिया यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर अगर हम इस अंक से, क्योंकि यूनिट इकाई अंक में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 61 होते हैं, क्योंकि उतने का ही हमें मल्टीप्लाई करना होता है जितने का हम भाग देंगे, ठीक है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं इसमें इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ता है और आगे के लिए हम इस तरह जोड़ देते हैं। तो हमने देखो 1 रख रहे हैं तो ये 61 आ रहे हैं, जैसे ही हमने 2 रखा तो ये 98 से अधिक जा रहे हैं, इसलिए 1 ही रखने पर 1 का इसमें भाग जाएगा, जो कि यहाँ भागफल के थ्रू हम रख देंगे, ठीक है, 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमें 61 ही प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया रिमाइंडर करेंगे, यहाँ से घटाएंगे, 8 में से 1 गया तो हमें 7 प्राप्त होगा, 9 में से 6 गया तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। और यहाँ पर अगली प्रक्रिया के लिए ये गुणा करते हैं, अगली प्रक्रिया के लिए इसमें जितने से हमने क्या किया है भागया उसी को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा अगले के लिए 62 हो जाएगा, अगली प्रक्रिया के लिए क्या हो जाएगा ये 62 हो जाएगा, और अगली जो भाग संख्या देंगे वो यहाँ इसके इकाई अंक में आएंगे, लेकिन ये 62 पहले ऑलरेडी अधिक है और ये 37 कम है, तो अगले जोड़े को हम नोट कर लेंगे, ये अगला जोड़ा हमारा 5 6 है, ठीक है। तो हमने कैसी संख्या किस संख्या से भागने के ये इसके नज़दीक संख्या हो या इसके बराबर हो, तो जैसे ही हमने यहाँ पर 6 रखा, यहाँ पर हमने क्या रखा 6, तो यहाँ 6 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर देखते हैं हम 662 था हमारा, सॉरी 626 था, ठीक है, और ये हमारा था 3 7 5 6, तो हमें क्या करना होगा उसी संख्या से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 6 का गुणा करेंगे 36, हासिल आपकी 6 बची, सॉरी 3 बची, 6 2 12 3 15, ठीक है, 1 अंक का जो है कैरी हुई, ठीक है, 6 6 36 और 1 37, तो हमने देखा कि ये इसके इक्वल यानी कि बराबर आ चुका है, तो बराबर आ चुका है तो जब हम इसको घटाएंगे तो देखो कोई शेष नहीं बचा और हमारे पास सभी जोड़े, ये प्रक्रिया जब तक करते हैं कि तब तक हमारा जो सभी जोड़े पूर्ण रूप से हो नहीं जाए, ठीक है, जो हमारा दिया था ये यहाँ पर इसको हम भागफल में 6 नोट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 9 9 8 6 5 है, ठीक है, इसका अगर वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना होगा तो आप बता पाएंगे यह जो वर्गमूल है यानी संख्या जो 316 है इसका वर्गमूल कहलाएगा। इस विधि से आप सम वाली संख्या और विषम वाली संख्या दोनों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों का वर्गमूल। यदि भिन्न दी हुई है या दशमलव में कोई संख्या दी गई है तो उसे किस तरह हम उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी सभी बिंदु जो हैं टॉपिक बाय टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आपको बेहतर तरीके से ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए कुछ हमें बातें याद रखनी होती हैं, पहला कि आप सभी जानते हैं कि जो भिन्न होती है ऊपर वह अंश बट्टे हर के रूप में होती है, ठीक है, अंश और हर, ठीक है, तो अगर कोई भी भिन्न दी गई है तो सबसे पहले हम अंश का क्या करेंगे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात अलग अलग यानी हर का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या दी गई है तो हम उसे पहले अंश का अलग अलग या तो गुणनखंड विधि से अगर प्रॉपर तरीके से लिखा है उसमें तो ज्ञात कर सकते हैं जैसा लिखा है उसमें, अगर नहीं लिखा है तो हम अंश का अलग कर लेंगे और हर का अलग तरीके से अलग अलग दोनों का कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि यदि कोई ऐसी भिन्न आ जाती है जिसका हर पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि इसका हर क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसी संख्या में क्या करेंगे अंश और हर में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि वह संख्या जो होती है भिन्न वो होती है पूर्ण वर्ग बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि भाई 4 बट्टे 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आपको याद होना चाहिए कि 4 का वर्गमूल क्या होता है या 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का वर्गमूल आपको याद होगा तो आप तुरंत लिख देंगे,
आपको याद है भाई ये 2 का होता है और 9 जो होता है वो 3 का होता है तुरंत। अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि यह कोई पूर्ण वर्ग नहीं है संख्या, तो हम क्या करेंगे, हर में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें जिसका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अगला कि दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, अगर दशमलव संख्या है ठीक है या दशमलव भिन्न है तो उसे किस तरह ज्ञात करेंगे, तो गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं हम दशमलव के लिए, या भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए गुणनखंड विधि से किस तरह ज्ञात करेंगे या भाग विधि से किस तरह ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो भी भिन्न दी जाती है, मान लीजिए कोई x बटे y आपकी भिन्न दी गई है ठीक है और पॉइंट में लगा हुआ है ठीक है, मान लीजिए ये मानकर चल रहे हैं ठीक है, कोई भी भिन्न दी जाती है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसे साधारण भिन्न यानी उसे भिन्न रूप में यानी अंश और हर के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में हम उसे परिवर्तित करेंगे। कई बार क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन दिया होता है तब हम उसे क्या करेंगे अंश और हर के रूप में साधारण भिन्न के रूप में चेंजेबल कर लेंगे ठीक है, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे अंश का अलग करेंगे और हर का अलग करेंगे। ये तो हो गया दशमलव भिन्न वाली के साथ ठीक है। अगर दशमलव वाली संख्या दी गई है ठीक है, तो उसे भी हम दो ही तरीके से गुणनखंड ज्ञात करते हैं, दोनों में ये लागू होंगे, एक तो गुणनखंड विधि के द्वारा एक भाग विधि के द्वारा। अब आगे गुणनखंड विधि, आगे बढ़ते हैं हम भाग विधि के द्वारा। तो भाग विधि में किस तरह आप सॉल्व करेंगे, तो भाग विधि को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना होगा क्या, चलिए अभी देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या दी है ठीक है, तो भाग विधि से ज्ञात करने के लिए, तो कोई भी संख्या दी हो, कुछ भी संख्या दी हो यहाँ पर ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दशमलव हमारा होता है यहाँ पर, ये हमारा बड़े दर्शाता हूँ, ये दशमलव है हमारा, दशमलव के दो बाद जो होते हैं उनके दो दो अंकों का ठीक है, दो दो अंकों का कोई एक पेयर यानी जोड़ा बना लेते हैं ठीक है, पेयर बना लेंगे दो दो अंकों का, जितने भी अंक होंगे उसके दाईं ओर या बाईं ओर ठीक है। अगर विषम है तब भी क्या होगा, हम पेयर बनाएंगे, तो वही भाग विधि की तरह अपनाएंगे, बस दशमलव में यहाँ दायां और बायां देखना होगा, दाईं ओर अगर मान लीजिए अगर हमारा पेयर नहीं बन पाता है तो उस पेयर के सामने एक शून्य बढ़ा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक अंक था ठीक है और पेयर नहीं बनना था हमारा, तो क्या करेंगे हम उसके आगे एक शून्य बढ़ा देंगे ठीक है, जिससे कि हमारा जो पेयर है वो जोड़ा है वो बन जाएगा ठीक है। उसके पश्चात जो पूर्णांश है उसके दाईं ओर से हम यहाँ से इसको फिर वही भाग विधि के द्वारा सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। चलिए तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो हमारा पहला एग्जांपल है, इसके माध्यम से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी आपके पास 2, 3, 2.5, 6, 2, 5, इसका तो देखो पेयर बन रहा है ठीक है, क्योंकि दशमलव के जब हम बाईं ओर भी देख रहे हैं दाईं ओर भी देख रहे हैं, तो दोनों ओर देखो यहाँ पहले दाईं ओर से पेयर बनाएंगे उसके पश्चात बाईं ओर चलेंगे, तो यहाँ एक अंक सिंगल अंक बचा। तो सिंगल के लिए जैसे कि हमारा भाग विधि का नियम है वो याद रखना होगा ठीक है, बस इतना याद रखना है तुम्हें। तो यहाँ से फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे भाग विधि वाली ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब देखेंगे ये 2 किस संख्या के स्क्वायर के समीप है या उससे कम है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि इससे अधिक है, तो हम संख्या लेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि इससे कम भी है और इसके समीप भी है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका ठीक है, और जो भाग दिया है उसको यहाँ ऊपर लिख लेंगे भाग ठीक है, क्लियर समझ आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं, 1 इसमें ऐड कर देंगे और हमें प्राप्त होगा ये 2 मिल गया, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पर निकालना होगा 1 बचा, तो अगले जोड़े को नोट करेंगे। हमारा अगला जोड़ा क्या है 32 है, क्योंकि 2 ऑलरेडी 1 से बड़ा है, लेकिन कोई भी संख्या होगी तो यहाँ पर रखी जाएगी इसके इकाई अंक पर ठीक है, जब इसके इकाई अंक पर रखी जाएगी तो ये ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब देखना होगा कि यहाँ किस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करें या भाग दें कि ये 132 के नज़दीक हो ठीक है। तो 5 का यहाँ रखेंगे, तो उतनी जितने का यहाँ रखेंगे उतनी का ही इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5×5 कितना हो जाएगा आपका 25, यानी 125 आपको प्राप्त होगा ठीक है। तो 125 जो 132 से कम है ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे फिर शेष यानी रिमाइंडर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 12 में से 5 गए से 7 बचेंगे और में से कोई शेष नहीं बचेगा, तो अगले जोड़े की ओर बढ़ेंगे ठीक है। तो कितनी बार गया था ये 5 बार गया था, हमने 5 यहाँ नोट कर लेंगे, 5 हमने नोट कर लिया। अगले क्योंकि दशमलव लगाएंगे, दशमलव इसलिए लगाएंगे मित्रों क्योंकि हमारे पास जो दशमलव है वो दशमलव के बाद का जोड़ा नोट करना है अब ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ 56 नोट कर लेंगे और हमने यहाँ पर एक दशमलव लगा दिया ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे आपस में, जोड़ दिया तो ये 30 प्राप्त हो जाएगा हमें। तो यहाँ पर फिर इकाई अंक पर रखेंगे कि ऐसी संख्या कौन सी है भाई जिससे रखने पर ये इसके नज़दीक आ जाएगा,
तो दो रख देंगे तो ये 302 हो जाएंगे। 302 में दो का मल्टीपल करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपको प्राप्त होंगे, ये 604। कितने प्राप्त होंगे आपको 604। फिर रिमाइंडर बचाएंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर इधर लिख लेते हैं हम, ठीक है यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो रिमाइंडर आपका बचा 6 में से 4 गए तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए 2 बचा, यहाँ 5 बचेगा आपका और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। और अगला पेयर नोट कर देंगे, जितनी बार गया 2 बार गया तो यहाँ 2 का अंक हमने नोट कर दिया। अगली बार पेयर की ओर पढ़ेंगे क्योंकि अगला पेयर हमारा 25 है तो हमने इसको नोट कर लिया। और यहाँ पर ये संख्या हमें याद होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी संख्या क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी संख्या 302 और 2 ऐड कर देंगे तो 304 हो जाएगी, ठीक है 304 हो जाएगी। जो भी संख्या रखेंगे इसके इकाई अंक पर यानी कि यहाँ पर रखेंगे, ठीक है भाग देते समय। तो ये 15,002 से 25 है तो हमें क्या करेंगे एक एक करके गुणा करते हैं 2, 4, 6 अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 5 का कर रहे हैं हम क्योंकि 5 या 15 ये 15 के नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है जैसे हमने याद है तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये 5 का जब हम इसमें करेंगे तो ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, जब हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3,045 में तो हमें प्राप्त होगा 15,225। 15,225 हमें प्राप्त होगा जो कि इक्वल है। तो हमारा इसका रिमाइंडर क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा और हमें प्राप्त हो जाएगा इसका जो वर्गमूल, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हमें बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका जो वर्गमूल हमें प्राप्त होगा, तो इसका वर्गमूल जान सकते हैं 15.25। जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न बनेगा आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मिलेंगे मैं मित्रों अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए मित्रों तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।